वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी मैं जस्ट रेडी हो रहा था, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो मैं सोचा कि कुछ ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को भी लेके जाता हूँ बाहर, दिखाता हूँ कि क्या सीन है। और दो तीन जगह मुझे जाना है, दो तीन जगह नहीं जाना, मुझे एक ही जगह जाना है, बट डिसाइडेड नहीं है कि लाइक कौन सी जगह पर जाना है। तो बस अभी चलते हैं, दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या सीन है। और सबसे पहले तो अभी मैं शूज़ वगैरह, ये मेरे जो लास्ट शूज़, मैं अगर कोई आप मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा तो उसको पता होगा, ये शूज़ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो आज यही वाला शूज़ पहनने वाला हूँ, कतर में फर्स्ट ऑनलाइन मंगाया था, तो यही शूज़ पहन रहा हूँ आज। और जाता हूँ बाहर, दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। अभी पूरा रेडी हो रहा था तो मैं सोचा स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग अभी से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो चलिए चलते हैं। सो अभी फाइनली मैंने ऊबर बुक कर दी और मैं बाहर आके वेट कर रहा हूँ, जस्ट 1 से 2 मिनट में मेरी ऊबर आ जाएगी। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जा रहा हूँ सफारी मॉल, क्योंकि सफारी मॉल में ज़्यादातर ऑफ़र और प्रोमोस चलते रहते हैं, इसलिए मैं सफारी मॉल प्रीफर करा। और मेजरली इंडियंस वहाँ जाते रहते हैं, तो इंडियन सामान भी इजीली मिल जाता है, जैसे हम लोग को जो यूज़ करना होता है, जो हम लोग के सामान होते हैं, जो हम लोग की चॉइस होती है, अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस हम लोग को सामान मिल जाता है। तो वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ एक्चुअल में है क्या, मतलब लोग कहते हैं ऐसा मिलता है, बट मिलता है कि नहीं मिलता, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रही है और लेके चलता हूँ वहाँ पर। सो मैं ऊपर का वेट कर रहा हूँ, आ गई मेरी ऊपर, तो चलते हैं। सफारी मॉल से पहले ये अंसार गैलरी यहाँ पे पड़ता है, भरवा वाला रहे, भरवा अंसार गैलरी इधर पड़ता है, तो इधर भी आके ट्राई कर सकते हो। और एक तो है तुम्हारा एयरपोर्ट रोड पे पुराना वाला, और एक और है सिटी सेंटर में, सो तीन है यहाँ पे। और इसी लाइन में सफारी मॉल भी है आगे, आई थिंक थोड़ा सा आगे है। सो अभी हमारा मॉल आ गया, सामने मॉल है सफारी मॉल, और ये जो एरिया आप देख रहे हो उतना डेवलप नहीं है अभी, बट ओके। सो मॉल में जैसे ही आए वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो ऑफर पे ऑफर लगा हुआ है, 10 रियाल 20 रियाल। ज़्यादातर यहाँ पे सब इंडियंस आपको मिलेगा, इतना इंडियंस लोग ज़्यादातर यहाँ पे प्रीफर करता है आना, क्योंकि यहाँ पे सामान थोड़ा से सस्ता है, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे सही सामान मिलता है बोल करके लोग प्रीफर करता है यहाँ पे आना। ओके सो अभी मैं मॉल के अंदर आ गया हूँ, और मॉल के अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया के कोई मॉल में आ गया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे सब इंडियंस ही मुझे दिख रहे हैं। और ये देखिए सामने मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे होल्डिंग्स वगैरह टंगी हुई हैं 10 रियाल 20 रियाल 30 रियाल की। इसका मतलब है कि 10, 20, 30 रियाल में आपको बहुत सारे सामान यहाँ पर मिल जाएंगे। ये एक ऑफ़र होता है एक तरह का, जो कतर में यहाँ पर लगता है ज़्यादातर मॉल्स में। सो ये जो सेक्शन है ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर ज़्यादातर फूड के सेक्शन से, लाइक जो तुम अपने रॉ मटेरियल फूड वगैरह लेते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर देखते हैं क्या, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर तो फूड्स वगैरह और उतना कोई इंटरेस्ट है नहीं किसी को फूड वगैरह, वो तो कहीं पे भी आप ले सकते हो, बट यहाँ के ऑफर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो आगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पे प्रीफर करते हैं क्योंकि सस्ता होता है यहाँ पे। ओके सो अभी हम लोग चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ से देखिए मैं एलिवेटर से थोड़ा नीचे का भी दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे अलग ही माहौल है। और ये सेक्शन है राइट हैंड साइड में जो कि फूड कोर्ट है, पूरा फुल फूड कोर्ट है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी रेस्टोरेंट बोल दीजिए, या छोटे मोटे शॉप्स लाइक रेस्टोरेंट्स हैं जो कि लाइक फूड यहाँ पे दे रहे हैं। और ये लाइक इंडियन भी है, चाइनीज़ भी है, और कॉन्टिनेंटल भी, लाइक ऑल मिक्स है। सो आप यहाँ पे आके बैठ के आराम से मस्त खाना पीना खा सकते हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सफारी मॉल में ये भी होगा, बट हाँ यहाँ पे है। और अभी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग आ गए हैं मॉल के, लाइक सेकंड फ्लोर के लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे राइट देखिए, यहाँ पे वॉच का शोरूम है एक सबसे पहले तो ये, उसके बाद शॉप्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और मुझे वॉच देखना था एक्चुअली में। मैं आता हूँ पहले एक बार, एक वॉक अराउंड ले लेता हूँ ये पूरे मॉल का, उसके बाद मैं आता हूँ वॉच देखता हूँ यहाँ पे। जैसे कि सामने आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरी शॉप है वॉच की, फिर देखिए सामने यहाँ पे क्लोथिंग वगैरह की ब्रांड्स की शॉप्स हैं, तो जैकेट वगैरह लेना हो तो वो भी ले लो। आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा कॉस्टली होगी, बट हाँ बेस्ट होगी। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए, और ये देखिए यहाँ पे मस्त मस्त जैकेट है। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि लाइक मैं कतर में, वैसा फील हो रहा है मैं दिल्ली में हूँ, क्योंकि दिल्ली मुझे ऐसा फील होता था, जो कि मुझे अभी भी फील हो रहा है। ये भाई मुझे देख रहा है, सोच रहा है क्या कर रहा है ये बंदा। ओके अवॉइड करते हैं अभी, अभी पहले अपने काम पर ध्यान रखते हैं। ओके सो ये शॉप है जो लेडीज़ वगैरह, लड़की वगैरह जो कोई को अगर अपने लिए अच्छे से कोई ड्रेस बनवाना हो या सिलवाना हो तो यहाँ पर आकर के अपना सिलवा सकती है। एक टेलर शॉप है जो कि इंडियन वेयर बनाते हैं, और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से ड्रेस वगैरह टंगा हुआ है। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि देखिए फ्लैश टेलर नाम के शॉप है। ओके सो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट अगर हाँ आप लोगों को इस पर वीडियो चाहिए तो मैं अंदर जा करके बना सकता हूँ, और प्लीज़ कमेंट करिए सो दैट मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, आराम से मैं जाके बना सकता हूँ। बट हाँ कोई का अभी कमेंट्स नहीं आए इस तरह के कि कोई पर्सनल वीडियो बनाने को, इसलिए मैंने नहीं बनाई अभी तक। सो अभी सब कुछ देख लिया है थोड़ा बहुत, तो एक बार एक काम करते हैं, अभी चलते हैं थोड़ा से वॉच की शॉप पर जहाँ पर वॉच देख। ओके सो यही वॉच की शॉप है जहाँ पर मैं जाने वाले वाला। ओके सो मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पर वॉच पर, इतनी सारी मुझे वॉच दिख रही है, और मुझे यह ब्लू वाली वॉच ज़्यादा पसंद आ गई।
और देखते हैं अभी कौन सी लेता हूँ मैं, बट सब बहुत ही अच्छी लग रही है, और इधर भी कुछ क्वालिटीज़ की वॉच हैं, सो लेट्स सी कौन सी लेने वाला हूँ मैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, सो देखते हैं। वॉच डन कर दी है, जस्ट पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और पेमेंट करने के बाद फिर मैं आता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या सीन है। वैसे वॉच वगैरह यहाँ पे ले सकते हो। इनका आपका शॉप का नाम क्या है? पैरिस गार्डन सफारी मॉल। सफारी मॉल पैरिस गार्डन, आप यहाँ पे आके ले सकते हो। पैरिस गार्डन सफारी मॉल, सो अभी आपने देख लिया, और जो भी प्राइस वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा आपको। अच्छी अच्छी ब्रांड्स के वॉच वगैरह भी हैं इनके पास, फास्ट ट्रैक वगैरह जो भी आपको लेना हो, जी शॉक फास्ट ट्रैक सब मिल जाएगा यहाँ पे। जो भी अगर आपको कुछ है। ओके, सो सारे सेक्शन लगे हुए हैं इनके पास यहाँ पे, देखो इंपीरियल के, फास्ट ट्रैक के, और सारी जो भी अच्छी अच्छी वॉचेज हैं यहाँ पे सेक्शन लगे हुए हैं। वॉलेट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे, परफ्यूम वगैरह भी, ऑयल परफ्यूम, इतर अतर जो भी है सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखो एक सेक्शन लगा हुआ है, ये वॉच ओनली 50 रियाल से है, देखो वन पीस 50 रियाल, ये सब 50 रियाल वाली वॉचेज हैं। तो ये सब भी अच्छी अच्छी वॉचेज हैं, ये सब भी उठा सकते हो, और ये सब ब्रांड्स में आ जाती हैं इधर, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, बट हाँ अच्छे प्राइस में दे देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो आ सकते हो आप। ले लिए अभी यहाँ पे देखो ब्लैंकेट के लिए ऑफर लगा हुआ है, 39 की वार में ब्लैंकेट्स, 99, 89, सब डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज में हैं। तो एक बार अंदर भी जाके दिखाई देता हूँ आपको इधर से, ऑफर वगैरह क्या लगा है मैं भी देख लेता हूँ लगे हाथ। सो यस सर, ये मैं लेके आ रहा था, तो मेरे को इस पे स्टेपल मारने के लिए बोल रहे थे, बट मैंने बोला कि ये मैं स्टेपल नहीं मार सकता, मुझे रिटर्न जाना होगा, तो कहा ओके ठीक है, कैमरा वैमरा है हाथ में, तो बोल करके इतना कुछ बोला नहीं मुझे, क्योंकि मैं खुद शूट कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कुछ कांड तो करूँगा नहीं, इतना भरोसा है, तो आ गया था। तो अभी ये देखिए यहाँ पे लैपटॉप रखे हुए हैं, और प्राइस देखो लैपटॉप का 799 रियाल, आसुस का लैपटॉप है 799 रियाल में, तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर यहाँ पे चल रहे हैं भाई। टू बी ऑनेस्ट देखो PS5 यहाँ पे 1900 1973 रियाल में है, तगड़ा ऑफर चल रहा है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, तो यहाँ पे मेरे को एक लेना था, तेरा हेडफोन लेना था मेरे को, तो हेडफोन तो इधर आई थिंक मिलेगा, पर ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। यहाँ पे आया हूँ मैं, ये क्लॉथिंग का सेक्शन है, सो यहाँ पे 10 रियाल 20 रियाल 30 रियाल में ऑफर लगे हुए हैं, जैसे कि जैकेट्स हैं, उधर शर्ट्स हैं, देखो वो जैकेट्स हैं वहाँ पे, वो 30 रियाल में, मतलब 600 600 रुपये में। तो मतलब जैसा मैंने बोला था आपको कि इंडियन वेयर, मतलब इंडियन लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, वो रीज़न यही है, इंडियन सामान अपना सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, और प्राइस भी काफ़ी कम रहता है बोल करके, ईजिली ज़्यादातर लोग प्रेफर करता है इधर, नहीं ये बोल करके ज़्यादातर लोग इधर प्रेफर करता है आना। अभी देखो जैकेट वगैरह उधर टंगी, लेदर जैकेट्स हैं, और ये देखो इधर जैकेट्स वगैरह भी हैं, इसमें से देखता हूँ एक जैकेट में भी। सफारी मॉल की जो मेन सेक्शन है उसके मैं अंदर हूँ, और जो लोगों को स्पीकर वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है वो लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे तरह तरह के स्पीकर्स रखे हुए हैं, बड़े बड़े बुफर वाले, और इन सबका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, 139 रियाल ओनली। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में मस्त मस्त स्पीकर यहाँ पे मिल रहे हैं, और इस साइड वैक्यूम क्लीनर वगैरह भी रखा हुआ है, सब पे ऑफर लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे लाइन से लैपटॉप वगैरह पे क्या मस्त मस्त ऑफर लगे हैं। देखो वो एक लैपटॉप उधर रखा है, वो आई थिंक एसुस का है, और उसका प्राइस 799 ओनली है, एसुस NB का है, और काफ़ी मस्त है यार ऑफर वगैरह यहाँ पे। ओके सो अभी यहाँ पे लेडीज़ पर्स वगैरह भी रखे हुए हैं, और इन सब का देखो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 30 QR यहाँ पूरा पर्स। सो अभी मैं लेडीज़ वेयर के सेक्शन में आ गया, और यहाँ पे देखो 49 रियाल में क्या मस्त मस्त जैकेट्स वगैरह मिल रही हैं उधर, और ये 30 रियाल में है सब, आई थिंक प्योर लेदर नहीं है बट हाँ मस्त है। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा अच्छा जैकेट्स वगैरह है यहाँ पे, जस्ट ओनली 30 रियाल। तो जो लोग जाते हैं मॉल वॉल में तो महंगा महंगा सामान लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मस्त इधर 24 रियाल में स्वेटर वगैरह अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया बड़े सेक्शन में, मतलब बड़े बड़े इनका सेटअप लगा रखा है। पहले स्वेटर देखो 20 रियाल ओनली, 20 रियाल में मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी है, तो कोई अगर आ रहा है अपना फैमिली के साथ तो यहाँ पे बच्चों को ला के छोड़ सकता है, और पूरा यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, यहाँ पे मस्त यहाँ पे खेल कूद सकता है अपना। मैं मॉल के बाहर आ गया हूँ और बस निकल रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, होंडा सिविक है आई थिंक ये। सो अभी बैठते हैं पहले, सॉरी। सो ऑल राइट, अभी मैं निकल चुका हूँ मॉल से, और मेरे साथ एक लोग हैं यहाँ पे बहुत अच्छे मुझे मिल गए, तो उनसे मैं बात कर रहा था ऐसे ही, तो बताने लगे कि ये मॉल वगैरह के बारे में। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये चीज़ है कि आप कहीं पे भी जाओगे, आपको कोई भी मॉल में जाओगे, कोई भी शॉप पे जाओगे, तो केरला का लोग ज़्यादा मिलेगा। इवन अभी जहाँ से मैंने शॉप से जहाँ से वॉच लिया वो भी केरला वालों की शॉप थी,
ओनर भी केरला का था, जो बंदा भी यहाँ पे वो भी केरला का था, और अभी यहाँ पे जो गाड़ी से मैं जा रहा हूँ वो गाड़ी पे जो है वो भी केरला से हैं, तो वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादातर तुमको केरला वाले ही मिलेंगे। तो ये चीज़ मतलब बहुत अच्छा है कि लाइक बाहर आ करके सब एक साथ मिलकर रहता है और कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। सो सब कुछ अच्छे से हो जाता है यहाँ पे। और अभी जस्ट मैं जा रहा था तो ऐसे बात करते करते जा रहा था, देखते हैं, मौसम भी चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी ठंडक आ रही है, जैकेट वगैरह भी मैं पहना हुआ हूँ। और तो हाँ, ये मैं मॉल के बारे में बता रहा था आपको कि मॉल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हालांकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मॉल का। और यहाँ पे मुझे मतलब जैसे कि मुझे बहुत लोगों ने मुझे बताया कि हाँ आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको सामान मिलेगा, तो जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था मॉल को इवन वैसे ही था, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। मॉल में इंडियन सामान आपको, इंडियन वेयर, लेडीज़ के लिए इंडियन वेयर वगैरह अच्छे से आपको मिलेगा। मैंने इवन ब्लॉग में जो मैंने शूट किया है पूरा, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और जो प्राइस हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्राइस पे मिल रहा है, कम पे मिल रहा है। इवन जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जैसे कुर्ता वगैरह मुझे चाहिए था, तो एक्चुअली मैं गाड़ी थोड़ा सा मुझे छोटी पड़ रही है, तो इसलिए मैं उतना ऊपर कैमरा रख नहीं पा रहा हूँ अभी, ठीक है आई थिंक, ठीक है। तो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा जिसको लेना। इवन जब भी जैसे मैं मॉल में एंटर किया, मुझे ज़्यादातर सब इंडियंस ही मिले वहाँ पे, क्योंकि जो हम लोग प्रीफर करते हैं जो सामान, राइट, वो सामान ही वहाँ पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि राइट मिक्स मिल रहा है, जैसे सिटी सेंटर में जाओ या बिलाजियो में जाओ तो आपको बहुत तरह के सामान मिलेंगे, राइट, और वो सबके लिए है, लाइक वर्ल्ड वाइड वो लोग प्रीफर कर सकते हैं, लाइक जो फॉरेनर्स आते हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो यूरोप से आ रहे हैं, वो लोग भी जाते हैं, राइट। बट ये मॉल में अपना ही सब कुछ मिल जाता है, तो मुझे जो सामान लेना था सब कुछ मुझे मिल गया, और इवन प्राइस भी बहुत ही अच्छा था। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जो लोग कतर से ब्लॉग देख रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आ करके अपना जो भी पसंद का सामान है यहाँ पे ले सकते हैं, और जो मैंने ब्लॉग में बनाया है उसमें भी आप देख सकते हैं, सब कुछ मिल जाता है। और बस अभी तो यही है, और मैं शूट में जो भी डालूंगा वो आप प्लीज़ देखिएगा प्रॉपर, तो आपका आइडिया लग जाएगा उसमें। अभी फैसल भाई भी मेरे बारे में पूछने लगे कि क्या करते हो, तो मैंने बताया उनको अपने बारे में कि लाइक मैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, तो नाम वाम बताया, तो अभी भाई सर्च कर रहे हैं वैसे, तो देखते हैं। और अभी ये जो एरिया में जो यहाँ पे मैं आया हूँ ना, ये एरिया उतना डेवलप नहीं है, सो आप देख सकते हो इधर के जो ज़मीन वगैरह है ना खाली है, उतना कुछ नहीं है, और मॉल भी इसी साइड पड़ता है। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा था। और जो दिवाली के लिए मैं कुर्ते के लिए भाग रहा था इधर उधर ना, वो अगर यहाँ पे मैं आता ना तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के कुर्ते वगैरह मिल जाते, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी देखते हैं, अभी सर्च करा के भाई को सब्सक्राइब भी करा देता हूँ। ओके, सो वंस अगेन अभी मैं फिर से दीदी के रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ, और जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, बाब अल अरेबिया रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। और यहाँ पे आज मैं आया था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने दी से बोला था मुझे सोयाबीन का कुछ खाना है, तो उन्होंने मतलब मेनू से आउट ऑफ मेनू उन्होंने पर्सनली बनाया सोयाबीन। और जैसे कि मुझे सिक्किम का खाना बहुत पसंद है, तो वो भी नेपाल से बिलोंग करती हैं, तो फूड टेस्ट भी सिमिलर रहता है। सो ये मेरा सोयाबीन और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये चिकन करी, इधर दाल सिक्किम स्टाइल में, राइस, और इधर आलू भाजा सब्ज़ी, तो मेरा मस्त चलेगा वही खाना। और इधर आयशमा को भी मैंने बुला दिया था, आयशमा भी आ गई है। आयशमा देखो, दो प्लेट वहाँ पे चिकली चिकन मोमोज पहले खा चुकी है, तो उसका थाली नहीं आया है, तो थाली नहीं खा रही अभी, तो अभी मैं थाली खाऊंगा। सो फाइनली अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ, फ्रेश शो करके थोड़ा बैठा था। तो आज का ये जो व्लॉग था, लाइक ये उसी चीज़ के लिए था कि लाइक बहुत लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे और बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सफारी मॉल पे कुछ वीडियो बनाओ, सफारी मॉल के ऊपर कुछ दिखाओ, तो इसी के लिए मैंने बनाया। और सफारी मॉल में जैसे एक चीज़ मैं बोलूँगा कि वहाँ पे मैक्सिमम आपको इंडियंस ही मिलने वाले हैं सफारी मॉल में, क्योंकि जब मैं एंटर करा ना सिर्फ इंडियंस ही थे वहाँ पे, मतलब वो मार्केट ही लाइक देखा जाए तो एक्चुअल में वो इंडियंस के लिए ही बना, क्योंकि वहाँ पे जितना भी इंडियन का लाइक हम लोग के जो यूज़ में आने वाले सामान होते हैं वही वहाँ पे मिले थे। मैं कुर्ता के लिए कितना कितना मॉल्स में गया, मुझे अच्छा कुर्ता नहीं मिला, एट दैट मुझे लूलू से फिर मिला, बाई चांस वो एक पीस ही बचा था वही मुझे मैंने वो लिया। बट अगर बिफोर अगर पहले मैं ऐसा करता कि मैं सफारी मॉल जाता तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते मिल जाते, दो तीन मिल जाते, जितने प्राइस में मुझे लूलू में वो कुर्ता मिला उतने में मेरे को सफारी में दो कुर्ते मिल जाते। टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते देखे। व्लॉग मतलब व्लॉग बनाने में थोड़ा डिफरेंट होता है और एक्चुअल में देखने में थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब क्या सीन है कि अगर मैं पूरा व्लॉग में बनाता ना तो वीडियो लाइक वन आवर 30 मिनट्स ऐसे वीडियो चला जाता, तो मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बनाया हूँ, बट ट्राई मैं कर रहा हूँ कि सब कुछ कवर करने का। तो बस यही था कि लाइक एक आपको झलक मिल जाएगी तो आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा, और जो लोग कतर से देख रहे हैं वो लोग भी जा सकते हैं, वो लोग जाएंगे और अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम लोग जाते रहते हैं, और जो भी छोटे मोटे सामान हम लेते हैं, जो भी हमें घर के सामान लेते थे, टॉर्च हुआ या जो स्पीकर्स हुए या लेडीज़ वेयर हुआ, सब कुछ वहाँ पे बहुत ही अच्छे प्राइस में, तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और अपना जो भी पसंद का सामान है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो वहाँ जा करके, और अपना सामान भी मिल गया है। सो अभी तो जस्ट मैं रूम पे आके बैठ गया था, और दीदी के रेस्टोरेंट पे भी गया था, तो मेरे सोयाबीन वगैरह वहाँ पे खाया, और अभी मैं रूम पे आ गया, तो अभी थोड़ा सो जाता, थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा
सोया नहीं था 2 दिन से, ऐसे ही चल रहा है मेरा रूटीन। 2 दिन से मेरे को बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ रहा है, इसीलिए मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी थोड़ा सो जाता हूँ जाके, और देखते हैं फिर कल सुबह क्या सीन गए, कल क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि अभी अराउंड टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं और कुछ खाने का मन भी नहीं, बस सो जाऊँगा। देखता हूँ अगर रात में कुछ बीच में उठा तब कुछ बना बना लूँगा अपने लिए, और बस यही था। तो ब्लॉग को यहीं पर पोस्ट करते हैं, और प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे आइडिया लगे कि हाँ किस किस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं उसमें कतर में उस जगह पर जा करके वीडियो बना करके आपको दिखाऊँगा, तो आप लोग भी वर्चुअली मेरे साथ उस जगह का मतलब देखेंगे, मज़ा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।